देखो बकैती में हम जाएंगे नहीं ज़्यादा, सीधे शुरू कर देते हैं। आलोक सर का बहुत साल पहले मैंने एक पढ़ा था लेख किसी अखबार में, इन्होंने लिखा था उसके ऊपर, क्या नाम है, लखनऊ के ऊपर, कि लखनऊ में रेलवे स्टेशन से आप उतरिए तो जैन क्लिनिक्स स्वागत करते हैं उसके, गुप्त रोगों के पितामह उनके इश्तिहार, आप जो है वहाँ पहुँचेंगे तो किसी और चीज़ से आप पहचान नहीं पाएंगे लखनऊ को, गुप्त रोगों से पहचानेंगे। सर दिल्ली की पहचान किससे है? दरअसल दिल्ली की पहचान बड़ी फ्रॉड किस्म की पहचान है। गर्मियों में जब गर्मी बहुत पड़ती है तो हमें बताया जाता है चूंकि राजस्थान में गर्मी बहुत है इसलिए गर्मी है। अभी दिसंबर में जब टेम्परेचर 2 या 3 जाएगा तो हमें बताया जाएगा चूंकि शिमला में बहुत सर्दी है तो यहाँ सर्दी है। दिल्ली की पहचान आजकल तो स्मॉग है, आजकल तो स्मॉग है और सुबह से शाम तक हम लोग दिल्ली वाले तरह तरह के शब्दों से वाकिफ हो गए हैं। 2.5 PM, 7.5 PM, मतलब जैसे महागठबंधन के PM प्रत्याशियों की चर्चा चल रही हो। 2.4, 3.5, अभी मैं देख रहा था डिबेट ये हो गई है कि तेरे मोहल्ले में कितना AQL है, 300 या 200 या 400 या 500। तो दिल्ली की पहचान के बारे में मेरा बहुत गंभीर मानना है कि दिल्ली पहचान विहीन शहर है और मैं आ गया आगरा से तो उसकी पहचान ये हो गई, मिर्ज़ा गालिब मेरे शहर से आ गए तो उसकी पहचान ये हो गई, जून में लू बीकानेर से आ गई तो उसकी पहचान वो हो गई, शिमला में सर्दी आ गई तो पहचान ये हो गई। तो आजकल मैं स्मॉग के आनंद ले रहा हूँ और स्मॉग परम रोजगार दायक साबित हो रहा है। हेमा मालिनी जी को रोजगार मिल गया, वो कैंट एयर प्योरीफायर की एम्बेसडर हो गई और मैंने भी 5 व्यंग लिख मारे हैं स्मॉग पे, धन्यवाद स्मॉग। हाँ ये जो है 3 इडियट्स आप लोगों ने देखी तो उसमें आखिरी में नायिका बताती है कि जो बुद्धू नाक नहीं आड़े आती है किस में, अब यहाँ पर मास्क आने लगा है आड़े। सही बात है। सर ज्ञान सर जो है वो हार्ट के डॉक्टर, अगर किसी को समस्या हो तो वही दिखा लीजिएगा। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जब आपके पास कभी मरीज वरीज आते हों इसके तो आप उनको अपने दवाई ववाई देते हैं कि इसी से ठीक कर देते हैं? देखिए जब आप बात कर रहे हैं, खैर आपने मजे के लिए बात की इसलिए बोल रहा हूँ कि क्या है, मुझसे बल्कि उल्टा प्रश्न पूछा जाता है, आपने नहीं पूछा तो मैं खुद ही पूछ के खुद जवाब दे देता हूँ। मुझसे कहा जाता है कि जब मरीज आते हैं और ये डॉक्टरी जो आप करते हैं इससे बड़ा डिस्टर्ब होते होंगे, आप कर नहीं पाते होंगे क्योंकि आप कहाँ तो मरीज देखें फिर कहाँ डॉक्टरी करें और फिर लिखें भी, और दोनों चीज़ें बाधाएं देती होंगी कि आप कब तो लिखो और कब मरीज देखो और दोनों के बीच में कुछ कंट्राडिक्शन होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि डॉक्टर के तौर पे आप बहुत डॉक्टरों से, मैं सोचता हूँ सभी भुगते होंगे कहीं ना कहीं, कुछ लोगों ने मेरी नरक यात्रा पढ़ी हो तो और डॉक्टरों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं आप कि डॉक्टर क्या है। एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा लेखक, जब तक ये कॉम्बिनेशन में चला पा रहा हूँ तभी तक मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैंने माना है कि चूंकि मैं अच्छा डॉक्टर हूँ इसीलिए मैं अच्छा लेखक हूँ, और चूंकि मैं अच्छा लेखक हूँ और शायद इसीलिए मैं अच्छा डॉक्टर हूँ, क्योंकि अच्छा लेखक बिना संवेदना के बन नहीं सकता और एक अच्छा डॉक्टर बिना संवेदना के बन नहीं सकता। जब तक मैं आपके दर्द को महसूस नहीं करूँ, जो आप कहते हो ना कि आप रोते हो मेरे पास आते हो, तो मैं यही बात करूँगा, मजे से बात करूंगा जो उसकी दवाई पर, मैं फालतू दवाई नहीं लिखूंगा, मैं फालतू जांच नहीं करूंगा, मैं उसे एक जीवन में एक विश्वास पैदा करने की कोशिश करूंगा, और वही मेरा काम है एक डॉक्टर के तौर पर और लेखक के तौर पर। मेरा लेखन भी ऐसा होना चाहिए जो आप में जीवन में विश्वास पैदा करे। आपको लगे ही नहीं जीवन कितना भी खराब है, हम जो बंगार बहुत विसंगतियों की बात करते हैं, ये सब कुछ है खराब है बहुत सारी चीजें, पर जीवन में कहीं आशा है, कहीं मजा है जीव। ये देखिए एक गोरकी की एक मेरे विश्वविद्यालय जिन्होंने उनकी एक आत्मकथात्मक वो है उपन्यास है 3 खंडों में, उसमें एक अद्भुत प्रसंग है। गोरकी की नानी, गोरकी तब एक ऐसी गलीज बस्ती में झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती में रह रहे हैं जहाँ से नाला बह रहा है, वहाँ चमड़ा, एक जमाने अब तो नहीं होता, टैनिंग होती थी ना चमड़े की, कानपुर वगैरह बहुत होती थी, जहाँ चमड़ा कमाना, जिसे चमड़ा कमाना कहते हैं, चमड़े को गर्म करके और चमड़े में मसाले वसाले मिलकर उसको सॉफ्ट करना,
यहाँ वहाँ से खालें आती हैं, तो वो वहाँ पे उसकी काम होता था कई, उसकी बदबू फैली हुई है, उसका पानी बह रहा है नालियों में, और गोरकी अपनी नानी का हाथ पकड़ के वहाँ से निकल रहे हैं, उसी जगह रहते हैं, वहीं रहते हैं, और वहाँ खड़ी है नानी, थोड़ी देर रुक गई, थक गई, फिर देखते हुए बोलती है, नानी बोलती है गोरकी, गोरकी ने याद किया है बाद में, नानी के साथ गोरकी है 4-5 साल का, वो कहती है जीवन कितना खूबसूरत है। वो लेडी जो सबसे गलीज जगह पे जहां से नाक बंद करके आप निकल जाते हो, 5 मिनट आपसे बर्दाश्त नहीं होते, वो वहां खड़ी होके जीवन की खूबसूरती को मान रही है, ये चीज है। तो मेरा लिखना वो है, मेरा लिखना है कि जब आप पढ़ें तो चाहे आप कितने भी डिस्टर्ब हो जाएं, पर आप जब उठें तो जीवन के प्रति आप में एक विश्वास हो, आप जीवन के प्रति एक विश्वास पैदा हो। मेरा मरीज जब आए तो मैं उसे हंसा के, जो आप बात करें कोई चुटकुला करके, कोई उसके साथ कोई ऐसी बात की जिसमें आप मजा लेके, कोई उसका उत्तर देके, उसे वो विश्वास पैदा करें डॉक्टर में भी और इस विश्वास में भी कि तुम यार ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, निकल एनर्जी उसके अंदर आए। काम वही, हमारा सबका काम ये। बढ़िया। अच्छा आलोक सर, आपसे मैं जानना, जरा गंभीर जवाब हो गया, पर इसका गंभीर ही जवाब हो सकता है, मैं गंभीरता की तरफ ही आऊंगा, क्योंकि व्यंग्यकार को लोग जनरली लाइटली लेते हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा गहरे व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। और आलोक सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 2018, ये सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले खुराफाती शब्द क्या आते हैं? स्मॉग 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 और स्मॉग से मेरा तात्पर्य खाली दिल्ली के स्मॉग से नहीं है जी, एक पॉलिटिकल स्मॉग से भी है। मतलब एक अद्भुत स्मॉग है कि सरताज सिंह होशंगाबाद के भाजपा के 38 साल पुराने नेता, राम जन्मभूमि पे एक महीने पहले कुछ और विचार थे, अब वो कांग्रेस में आ गए, है ना, अभी उनके विचार क्या हो गए होंगे। तो मेरा मन बहुत करता है जो ओवरनाइट चेंज कर जाते हैं उनसे पूछा जाए भाई कि इस विषय पे आपका एक महीने पहले मत ये था, एक महीने बाद मत ये है। अभी आज सुबह मैंने फेसबुक पर देखा कि जो व्यापम घोटाले का आरोपी है मध्य प्रदेश में, वो बसपा का कैंडिडेट है, और इस बसपा से कांग्रेस का गठबंधन होगा, और इस कांग्रेस को लेफ्टिस्ट सपोर्ट करते हैं। अभी ये ऐसा कंफ्यूजन है कि इस स्मॉग में आपको यह समझना मुश्किल हो जाएगा कि ये हो क्या रहा है। अभी कंफ्यूजन मेरी रचनाओं में इंपॉर्टेंट रहता है, तो मुझे स्मॉग दिल्ली का दिखाई पड़ता है, तो उसके साथ मुझे पॉलिटिकल स्मॉग दिखाई पड़ता है कि कौन कहां किसके साथ है, ये समझ में नहीं आता। अभी स्मॉग जलेबी बन गई है, स्मॉग में देखता हूं तो स्मॉग में मुझे अपार रोजगार संभावनाएं दिखाई पड़ती है कि कुछ दिनों बाद आपको लगभग हर बड़ा आदमी ये बताता हुआ मिलेगा कि ये एयर प्योरिफायर खरीदने से हमारे फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। तो आर्थिक स्मॉग और पॉलिटिकल स्मॉग और सचमुच का स्मॉग, ये तीन स्मॉग मुझे 2018 में बहुत साफ दिखाई पड़ते हैं। ज्ञान सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पहले का जो लेखन था, सिर्फ लेखन ही नहीं, व्यंग्यकार, पत्रकार, लेखक जो भी हूँ, वो समाज के आखिरी इंसान की जो पीड़ा है या उसकी समस्या है उसको जनता तक लाने के लिए लिखते थे। अभी ट्रेंड के लिए, जो ट्रेंड में चल रहा है, पद्मावत चल रही है तो उस पर, दीपिका और उस रणवीर की शादी चल रही है तो उसके लिए, सबका लगभग उसी पर फोकस होता है, क्या ऐसा सच में हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है ये आपका भ्रम है। अच्छा, हम जब अखबार को ही अंतिम चीज मान लेते हैं, जब हम टीवी में जो आ रहा है उसी को अंतिम चीज मान लेते हैं, तब हमें लगता है कि सारी दुनिया शायद ऐसी है। दुनिया में अभी भी जो कविताएं हैं, जो देखिए मैंने अभी मेरे को आपसे बात करते करते कविता याद आती है, उनकी बात सुनते सुनते कविता याद आती है कि एक आदमी जो बीजेपी में है वो अचानक वहां चला गया कांग्रेस में, एक आदमी है जो पूरी विरोधी बातें करने वाले जो दूसरे लोग थे वो उसके पीछे खड़े हैं, जो उसको कल तक गालियां देते थे इसके पीछे। अब ये तो एक बात छोटी सी हो गई, जब आप इसकी मैं आज की जो कविता लिखी जा रही है, एक भगवत रावत की कविता है, हमने उनके घर देखे हैं, घर के अंदर घर देखे हैं, हमने वो तलघर देखे हैं, हमने उनके डर देखे। ये डरे हुए लोग हैं, ये डरे हुए लोग हैं जो आज बीजेपी में आज कुदर हैं, इन्हें खुद का नहीं पता। एक बहुत बड़ा डर है जो पॉलिटिक्स में है, बहुत बड़ा डर है जो समाज में है, जहां आपको अपनी जमीन ही नहीं मिल रही,
और आपको जो आपसे बात कहते हैं कि पहली बात क्या याद आती है 18 में, तो 18 में यही बात याद आती है। वो 18 में सबसे दुख की बात यह याद आती है कि 18 भी वही है जो 17 था, और 17 भी वही है जो 16 था, और 16 में जो आप बातें करते थे कि 18 में दुनिया बदल जाएगी, कुछ नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं बदला। तो आपका वो विश्वास जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था, उस विश्वास को छीनने की कहानी है सारी, ये सब कुछ, ये डर, ये सारे जो आपके हैं, ये आपका विश्वास निरंतर छीनता है पॉलिटिकल सिस्टम पे, आर्थिक सिस्टम पे, सब पर, कि बातें क्या करते हैं। बातें जो आप और पुराने बयान निकाल लीजिए, 2000 में जो बात कही होगी, लगता था कि 2012, 14, 18 तक तो स्वर्ग उतर आएगा। तो आप जब इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो डराती हैं चीज़ें। तो 2018 में मुझे वो चीज़ें आप शायद ज़्यादा डराती, जो ये पहले की बातें सब कुछ। आलोक सर, मेरा एक दोस्त है यहाँ दिल्ली का ही, वो छोटा मोटा, मतलब काफ़ी छोटा मोटा नहीं, सेलिब्रिटी सब एक स्टाइल के होते हैं बराबर, तो वो उसके भी फैंस हैं बहुत सारे। तो उससे मैंने एक दिन पूछा था कि भाई यहाँ दिवाली में पटाखे फोड़े जाएंगे, स्मॉग हो रहा है बहुत सारा, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत है, डॉक्टर्स ने कह दिया कि जिसको यहाँ दिक्कत हो रही हो अस्थमा वाले या कोई, तो ये चला जाए। तो आप जो काम करते हो, जो प्रोग्राम करते हो, क्या आप उस पर ये बात बोलोगे? तो उसने कहा हाँ, हम एयर ये पोल्यूशन का मुद्दा जो है इस पर बोलेंगे ज़रूर दिवाली के बाद। तो अच्छा, आपके साथ क्या अभी कभी ऐसा हुआ कि अपने फोन फैंस खोने के डर से, या फैंस को, उसने बताया मुझे कि उसको बड़ी दिक्कत होती है इससे, वो अगर कहीं किसी पूजा पाठ में जाता है या किसी के अंतिम क्रिया में भी जाता है तो वहाँ उठने वाले धुएं से उसको बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन वो जो है वो बोलेगा नहीं उसमें क्योंकि उसको फैंस खोने का डर। तो क्या आपके मन में कोई चीज़, कोई थाट आ रहा है कि ये सच है? देखिए, फैंस को लेकर मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ। दरअसल मैं बहुत छोटा था, 7 या 8 साल का था, मेरे इतिहास के टीचर मुझे फतेहपुर सीकरी ले गए एक बार जी। फतेहपुर सीकरी में वो जगह दिखाई कि देखो आलोक, यहाँ नवरत्न बैठते थे उस वक्त अकबर के जमाने में, एशिया के सबसे ज्यादा पावरफुल लोग, बीरबल, टोडरमल, नवरत्न उसने गिनाई। और जब मुझे बता रहा था वो, ठीक उसी जगह कुत्ता टांग उठा के पेशाब कर रहा था। मैं कल्पना कर रहा था नवरत्न सबसे पावरफुल लोग, यहाँ कुत्ता टांग उठा के पेशाब कर रहा है। पावर, ग्लैमर, सेलिब्रिटी, इसका मुझे अंदाज 8 वर्ष की उम्र में बहुत साफ हो गया था कि अगर ये हाल मोस्ट पावरफुल लोगों के हैं तो आप हमारी औकात क्या है जी। तो मेरा बतौर व्यंगकार और बतौर इंसान बहुत साफ मानना है, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे झूठ बोल के उसे लपेट के वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। मैंने एक बात कह दी आपको, आपको बुरी लगी कोई दिक्कत नहीं, अच्छी लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं ना, इसके बाद आप मेरा टाइम वेस्ट करें ना मैं आपका टाइम वेस्ट करूं। तो बतौर व्यंगकार अपने फैंस को लेके मेरी बहुत साफ मान्यता है कि एक न्यूनतम विनम्रता पूर्वक व्यवहार, वो फैन ना भी हो तो भी होगा, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि आपको वो बात पसंद आएगी या पसंद नहीं आएगी वो मेरा हेडेक नहीं है। आप मुझे पसंद ना करें, मुझे कोई चिंता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत पसंद, बहुत पावरफुल, बहुत सेलिब्रिटी का हाल मैंने 8 वर्ष की उम्र में अपनी आंखों से देख लिया। ज्ञान सर, आपको लगता है, आखिरी प्रश्न जी, क्यों मुझे जाना था कहीं, ठीक सर, आपको लगता है कि अभी जो राजनैतिक टाइप के व्यंग्य हैं वो राजनैतिक और सामाजिक, ये थोड़ा कम हो गया है? नहीं नहीं, आप पढ़ नहीं रहे। हाँ, ये अलग बात है, मैं पढ़ नहीं रहे, दो चार अखबार ही पढ़ता हूँ। और है क्या, उन अखबारों में जो आ रहा है व्यंग, उसे आप व्यंग समझने लगे जी। मुसीबत ये है, व्यंग बहुत गहराई में बहुत सारा लिखा जा रहा है और बहुत अच्छा भी लिखा जा रहा है कई जगह, और कई जगह कुछ लोगों को गलतफहमी है कि ये व्यंग है और वो ऐसा लिख रहे हैं, तो आप उसकी गलतफहमी के साथ मत जाइए, खूब लिखा जा रहा है। हाँ, देखिए पॉलिटिकल में क्या है, कल एक घटना घटी और आज मैंने उस पर एक व्यंग लिख दिया, उसे कहा पॉलिटिकल व्यंग है, वो हम उतने देर, हमें समय भी नहीं मिला कि हम उसमें उतरते गहराई में, हम उस बात को समझते, उसको और गहराई में उतर के समझते इसके समाज पे क्या होगा इस घटना का, और फिर वो व्यंग कहीं से उपजता। ये तो मैंने डिमांड के हिसाब से लिख दिया कि मुझे अखबार में लिखना है, क्योंकि मैं नहीं भेजूंगा तो कल तक कोई और भेज देगा, और परसों फिर मैं कितना भी अच्छा लिखूं अखबार वाला कहेगा सर ये इशू हो चुका, अब ये इस इशू पे हम नहीं छाप रहे हैं,
रहने दीजिए। तो ये सारा बाजार जो जिस पर बहुत आलोक लिखते हैं, बोलते हैं और रचनाएं करते हैं, ये बाजार ने केवल आपको नहीं जकड़ा है, जो बच्चे बैठे हुए हैं आप लोग हैं, आपके जीवन को नहीं जकड़ा है, साहित्य को, लेखन को, आपके विचार को सब जगह से इस तरह से जकड़ लिया है कि जब तक आप उसको समझते हैं तब तक बड़ी देर हो चुकी होती है। तो मुझे लगता है कि आपको बाजार को समझने की जरूरत है। ये राजनीति भी जब आप बात करते हैं ना, ये सब आपको क्या लगता है कि मोदी जी गवर्नमेंट चल रही है? आप बताइए मेरे को, मोदी जी गवर्नमेंट चल रही है या ये अडानी और ये जो और लोग हैं, रिलायंस वाले हैं या और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी गवर्नमेंट चल रही है, या मेरे घर में वहां पर शिवराज सिंह की गवर्नमेंट चल रही? नहीं, आपको लगता है कि नेताओं की गवर्नमेंट चल रही है। सरकार अंततः बाजार तय करता है, बाजार ही तय कर रहा है, इस बात को समझ ले। पहले जरा सा शर्मा शर्मी में करता था, आजकल बेशर्मी में करता है, बेशर्म होकर बाकायदा खुलेआम करता है। आज के डेट में जो नेता है वो भी खुलेआम बेशर्मी से इस बाजार का, अपने ऊपर आधिपत्य को स्वीकार करता है। वो कहता है पर दिखता उनके साथ है, वो उनके साथ हंसता उठता बैठता है, वो उनके लिए सोचता है, वो उनके हिसाब से आपकी जमीनों को अधिग्रहित करता है, वो बताता है कि अधिग्रहण आपके लिए कितना जरूरी है, उस किसान के लिए कितना जरूरी है जिसकी जमीन ली जा रही है, वो उसको बाकायदा सिद्ध करता है, क्योंकि उसे उस इंडस्ट्रियलिस्ट को सिद्ध करना। तो आप जो आज जो व्यंग लिखा जा रहा है वो इस चीज को गहराई में उतर के देखने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि आज राजनीति ज्यादा बेशर्म हो गई, बहुत ज्यादा खुल के बातें, और जब तक आप खुल के जब बात की जा रही तो खुल के ही उसका विरोध करना पड़ेगा। तो आप जब लिखते हैं और ये सारे काम करते हैं तो व्यंग में जब तक ये बात नहीं आती तो आप एक सहज सी टिप्पणी पढ़ के आगे निकल जाते हैं, तभी आपको लगता है कि कुछ लिखा नहीं जा रहा था व्यंग में, तो क्योंकि पॉलिटिकल व्यंग वो पॉलिटिकल कमेंट्स हैं, वो टिप्पणियां हैं छोटी छोटी, उसका कोई अर्थ नहीं है। व्यंग का अर्थ है उस बात की गहराई में जाके उसके निहितार्थ समझना, जो कहा जा रहा है और जो कहते हुए छोड़ दिया गया, जो छोड़ दिया गया वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दो लाइनों के बीच में जो कह रहे हैं हम लोकतंत्र हमेशा जीवित रहेगा, लोकतंत्र बड़ा स्ट्रांग है इस देश में, तो हमने जो नहीं कहा वो ये कहा कि जब तक ये मेरे आड़े नहीं आता, अगर ये मेरे आड़े आता है तो लोकतंत्र की ऐसी तैसी किनारे और आपकी ऐसी तैसी। तो ये जो चीज है, ये बात को समझने आप, और व्यंग जब उसको समझ के लिखा जाता है वो व्यंग व्यंग होता है, बाकी तो एक अच्छी सी चुलबुली भाषा में लिखी हुई एक टिप्पणी है बस, जिसको आप व्यंग समझ रहे हैं। जी, अच्छा आलोक सर, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद फिर विदाई लेंगे। ये आपने, आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन ने व्यंग की एक नई परिभाषा पेश की थी, शायद आपने पढ़ी हो। उसमें लिखा था उन्होंने कि व्यंग वो होता है जो एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी किसी का मजाक उड़ाने के लिए कहता है और फिर अपने ही चरित्र का वो नमूना पेश कर देता है। मैंने थोड़ा बहुत लिखा है, मैं मतलब ज़्यादातर व्यंगकार जो होते हैं वो लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं। पहली बार मैंने आहत फील किया, भाई मतलब ये इनके पिताजी इतने मशहूर कवि रह चुके हैं, साहित्य की दुनिया से आते हैं ये, तो अचानक से इन्होंने क्या किया। मैं आप लोगों से, दोनों ही लोगों से व्यंग की परिभाषा जानना चाहूँगा। देखिए, एक तो व्यंग की एक सिंपल वलनाए परिभाषा मेरे लिए ये है कि विसंगतियों का रचनात्मक चित्रण, क्रिएटिव पोर्ट्रेयल ऑफ कंट्राडिक्शंस, वो कहीं भी हो, हम मेरे अंदर हैं, बाजार के अंदर हैं, इकोनॉमी के अंदर हैं, पॉलिटिक्स के अंदर हैं, ये व्यंग है। व्यंग एक नज़रिया है। अमिताभ जी तो सुबह से शाम तक पचासों बातें करते हैं, व्यंग पे उनकी परिभाषा को लेके इतना आप परेशान ना हो। व्यंग प्रैक्टिशनर, आप खुद प्रैक्टिशनर व्यंग के रहें तो आप खुद पाएंगे जो आप व्यंग जिसमें आपको खुद लगता होगा यार ये काम ठीक ठाक सा हो गया, कहीं ना कहीं आप उसमें संवेदना के साथ कुछ विसंगतियों को ऐसे छू रहे होंगे जिसके अंत में करुणा पैदा होती होगी, दुख पैदा होता होगा। व्यंग की फील्ड बहुत बड़ी है, क्रिकेट की फील्ड बहुत बड़ी है, आईपीएल भी हो रहा है, क्लब मैच भी हो रहे हैं, वनडे भी हो रहे हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं, अब सारा कुछ तो 50 साल बाद रिकॉर्ड में नहीं जाएगा ना। तो व्यंग के नाम में बहुत कुछ हो रहा है, वन लाइनर हो रहे हैं, स्टैंड अप हो रहा है, आर्टिकल हो रहा है, सोशल मीडिया हो रहा है। इसमें बतौर व्यंगकार मुझे ये पता होना चाहिए समझदारी के साथ मैं कर क्या रहा हूँ। मैं आईपीएल खेल रहा हूँ, आईपीएल खेलने का उद्देश्य मेरा ये है कि मैं विजिबल बना रहा हूँ,
पैसा कमा के आ जाऊं, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि व्यंग के अंतिम मानक जब तय होंगे तो मुझसे उम्मीद की जाएगी कि मैंने उपन्यास क्या लिखा, मैंने कहानी क्या लिखी, और मैं क्या कोई ऐसी रचना दे के जा रहा हूं जो मेरे जाने के 20-50 साल बाद सर्वाइव करने वाली। इसलिए बतौर व्यंगकार मुझे पता होता है कि मैं पद्मावत लिख रहा हूं, आईपीएल लिख रहा हूं, ये शाम तो छोड़े दोपहर तक खत्म हो जाएगी। तो वो जिम्मेदारी हर एक व्यंगकार को, और वो हर व्यंगकार खुद तय करे। दिक्कत क्या होती है, मैं अगर 24/7 अखबार का लिख रहा हूं तो मैं कहता हूं कि यही व्यंग और सब बेकार है, क्योंकि मेरी दुकान यही है। आप उपन्यास लिख रहे हैं तो आप कहेंगे उपन्यास के अलावा बाकी सब बेकार है, क्योंकि दुकान आपकी वो है। तो ये दुकान बचाने वाले खेल हैं। सही बात यह है कि 50 तरह का काम है, आपकी जो फील्ड हो, आपकी क्षमता हो तो 5 चूज कर लीजिए। उपन्यास भी लिखिए, कहानी भी लिखिए, अखबार भी लिखिए, कहानी भी लिखिए। आपकी क्षमता है कि आप खाली छोटा कर सकते हैं, लेकिन कृपा करके ये ना कहें कि मैं कर रहा हूँ वही व्यंग है, बाकी कोई और व्यंग नहीं कर रहा। ये फैसला पाठक करेंगे या वक्त करेगा। मेरी कई दुकानें हैं व्यंग में। मैं उपन्यास भी लिखता हूँ, मैंने कॉलम सालों लिखे जी। एक डिपार्टमेंट स्टोर है, आप जहाँ डालें हाथ वहाँ पहुँच सकते हैं। मैंने छोटी छोटी टिप्पणियाँ भी लिखी, मैंने लघु कथाएँ भी लिखी हैं, बहुत लिखा है। और इतना लिखने के बाद 5 उपन्यास भी लिख दिए, छठवां लिख रहा हूँ, और कुछ व्यंग फिल्म भी लिखी जो बनी नहीं फॉर्चुनेटली। तो इतना लिखने के बाद भी जब आप मुझसे ये प्रश्न पूछते हो कि आप व्यंग की परिभाषा दें, तो मैंने अभी वहीं पर उधर प्रोग्राम हो रहा था उसमें कहा था कि मेरे से बनता नहीं ये परिभाषा के वाले शब्द जो होते हैं। जैसे मैंने वहाँ उदाहरण दिया था गुलाब का, आप गुलाब के उदाहरण से लें कि मेरे सामने गुलाब रख दें और मुझे कहें कि आप बताइए, तो एक आलोचक जो परिभाषा बनाता है ना, ये परिभाषा का हथियार वो है जहाँ आप गुलाब को उधेड़ना शुरू करते हैं, उसकी पंखड़ी अलग करते हैं और बताते जाते हैं कि देखो ये भी गुलाब है, इसमें करोला है, ये भी गुलाब है, इसमें जो खुशबू आ रही है ये भी, ये यहाँ से आती है, और आखिर में आप गुलाब को तबाह कर देते हैं ना। तो हम तो गुलाब को बस गुलाब की तरह देखते हैं, हम तो व्यंग को हम क्यों बताएं? आप बताइए ना, एक शरीफ आदमी क्या परिभाषा है? आप शरीफ आदमी को देख के पहचान जाते हो कि ये शरीफ है। ये व्यंग को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यंग है। इसमें कहीं परिभाषा आप बैठ के नहीं लगाएंगे, अच्छा ये देखें, अच्छा ये देखें, अच्छा ये देखें, ये फिट हो रहा है नहीं फिट हो रहा है, और आप ऐसा करने की जरूरत ही नहीं। व्यंग तो आपको सहज रूप से समझ में आ जाएगा यही व्यंग है। तो मैंने कभी परिभाषाओं पर गया ही नहीं। वो जो कई बड़े नाम होते ना, जैसे आपने विसंगति ली, विसंगतियों पर आक्रमण और व्यंजना और विम्ब और यानी क्या क्या बहुत खतरनाक, वो सारे हथियार जो शायद मैं इस्तेमाल करता हूँ बिना उनके नाम जाने, मैं उनको नाम नहीं जानता पर मैं इस्तेमाल करता हूँ। लोग बताते हैं कि आपके उसमें बड़ा जबरदस्त प्रहार था। वो आपका जो आपने चोट पहुंचाई उधर, और जो विम्ब उठाया आपने वहां से विम्ब उठा के रखा, वो तो कमाल था। हमने पता भी नहीं हमने कब साला विम्ब उठा के वहां रख दिया है ना। तो वो जो चीजें हैं वो आलोचकों पे छोड़िए परिभाषाएं, हम लोगों से मत पूछिए। हम लोग राइटर हैं, हम लोग तो लिखते हैं। अब ये क्या लिखा गया, इसका क्या कहा जाएगा, ये आप उनसे पूछिए जो व्यंग लिखते नहीं है पर व्यंग के बहुत बड़े लोग हैं वो है ना। ये बढ़िया। तो क्योंकि वो यही काम करते हैं, वो गुलाब को उधेड़ते रहते हैं, पूरा गुलाब उद्यान खाली कर दिया, खराब कर दिया, उधेड़ उधेड़ के बता बता के कि देखो ये व्यंग, और बाद में कुछ भी नहीं। तो हम लोग वो नहीं है, आप हमसे ऐसी परिभाषा ना पूछें भैया। चलिए थैंक यू, ठीक है सर, धन्यवाद। इन्होंने हमको इतना टाइम निकाला अपने बिजी वाले शेड्यूल से, इसमें हम बिजी शेड्यूल नहीं है भैया, यहाँ पे बड़ी दूरियां हैं और जाना है जहाँ पर, वहाँ उनके अभी शराफत के टाइम पे पहुँचना चाहिए, धुंध है सब है, तो निकल जाए समय पे तो पहुँच जाएंगे, है ना। धन्यवाद आप लोग, आपने सुना, धन्यवाद। दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।